नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को लेकर आज पूरे देश भर में आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में प्रदर्शन किया। बताते चले कि कोरोना काल में डॉक्टर्स के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था और लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की थी, जिसको लेकर आज एम्स अस्पताल के बाहर एम्स के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मांग की है कि उनके फेवर में एक कानून बनाया जाए। जो कोई भी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी या गुंडागर्दी करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। देखिए, आज हमारी ये की बात है और मेरी मांग नहीं है, ये मैं समझता हूँ जनता की तरफ से मांग होनी चाहिए थी कि वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के ऊपर। आज हम देखते हैं कि ये जो जवान हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो देश की हेल्थ की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर जब भी कोई हादसा हो जाता है किसी मरीज के साथ तो वो वायलेंस पे उतर जाते हैं। डॉक्टरों की मार पिटाई हो जाती है, जो हमारी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी नुकसान पहुँचाते हैं ये लोग। उसे ये नहीं जानते कि वो दूसरे जो लोग इलाज करवा रहे होते हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ता है और एक जवान यदि उसके ऊपर कितना असर पड़ता है जो हेल्थ केयर डॉक्टर होता है, कि किस तरीके से यदि वो मेंटली सेफ नहीं होगा, मेंटली साउंड नहीं होगा तो किस तरीके से लोगों की रक्षा कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो वायलेंस पे उतर जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। एक सेंट्रल एक्ट आना चाहिए जिसके तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर उनकी प्रोटेक्शन के। देखिए, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, इसी तरीके से नॉन वायलेंस तरीके से, और हम चाहते हैं कि कोरोना टाइम है, हमारे जितने भी लोग हमारे कॉमन लोग हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज भी चाहिए। तो ये हमारा जैसे आज भी है सिंबॉलिक रेस्ट है कि हम लोग काला कपड़ा पहनकर, काली कमीज पहनकर, काले रुमाल लगाकर इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार कोई सेंट्रल एक्ट लेके नहीं आती। हो सकता है हम आगे स्ट्राइक भी करें, लेकिन ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि हमारे कॉमन आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज हमेशा उनको मिलती रहनी चाहिए। तो खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, क्या कुछ स्थिति एम्स के बाहर देखने को मिल रही है? लगातार डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। जी, आज जो डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है वो इसको लेकर किया है कि जो कोरोना महामारी में डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी लोगों ने किया उसको लेकर उनका प्रदर्शन था। और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हमारे लिए कोई एक सुरक्षा एक्ट नहीं बनाया जाता जब तक हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और यह प्रोटेस्ट आज सिम्बोलिक प्रोटेस्ट है, एम्स के अलावा दिल्ली के कई अस्पतालों में हो रहा है। और अगर आज इसके साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगे भी इस तरीके का प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की जो जान कोरोना में गई है वो काफी गंभीर विषय है। और जिस तरीके से लोग डॉक्टरों के साथ मारपीट और अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भी काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। जी शहनवाज, आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि इस तरीके से डॉक्टर्स को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को ही लेकर? जी, डॉक्टर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि कई जगह देखा गया कि जिस तरीके से डॉक्टरों में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने लोगों का इलाज किया और लोगों की जान बचाई, लेकिन कुछ लोगों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। और इनका बाबा रामदेव को लेकर भी प्रदर्शन है, जिस तरीके से बाबा रामदेव जो अपनी आयुर्वेद को लेकर बयान दे रहे हैं और डॉक्टरों के खिलाफत में बोल रहे हैं उसको लेकर भी एम्स के डॉक्टरों का प्रदर्शन है। और कहना है कि लाला रामदेव जो एम्स के बारे में या जो अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में कह रहे हैं वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी शाहनवाज, वहीं बात की जाए जिस तरीके से
आईएमए के आह्वान पर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आईएमए ने किसी तरह से सरकार से कोई बातचीत आईएमए की हुई थी पहले इस कानून को लेकर, या आईएमए ने सरकार से पहले किसी तरह की कोई मांग की थी और जब मांग पूरी नहीं हुई तब ये प्रदर्शन किया जा रहा है, या सीधे प्रदर्शन का ही रास्ता डॉक्टर्स ने इख्तियार किया है? नहीं नहीं, डॉक्टरों का ये कहना है कि हमने आईएमए के उस आह्वान पर ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी बातचीत भी चल रही है केंद्रीय उनसे बातचीत भी चल रही है, लेकिन हमारे अभी समस्या सुनी नहीं जा रही है, जिसको लेकर हम मांग करते हैं कि कोई ऐसा ठोस एक्ट बनाया जाए कि कोई भी डॉक्टरों के साथ मारपीट या कुछ ऐसे कृत्य करता है तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले और उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसा कई मामलों में देखा गया कि डॉक्टरों के साथ जो लोग गुस्से में आकर डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, और इसको लेकर डॉक्टरों में विरोध प्रदर्शन है और डॉक्टरों का कहना है कि आईएमए लगातार बातचीत कर रहा है, केंद्र सरकार से भी बातचीत कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत कर रहा है, और उनकी मांग यही है कि हमें एक एक्ट बनाया जाए हमारे लिए और इस तरीके के हमारे साथ दुर्व्यवहार न हो। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक्ट बनाने की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा पर आईएमए सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और आईएमए के आह्वान पर एम्स के बाहर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।